जमानत हो गई है, यही तो आकर के इस देश में हम लोग किसान ये परेशान हो जाता है। कितने आदमियों को मारा उन्होंने, कुचलता हुआ चला गया और उसकी जमानत हो गई यार। एक तरफ चंडीगढ़ में जाके देखो, वो सरदार किसान लोगों ने मोर्चा लगा रखा है। नमस्कार, मैं सोनम वोट्स न्यूज पर आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ हरियाणा के करनाल से, और करनाल में किसानों का जो धरना है वहाँ पर हम मौजूद हुए हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि एक बहुत ही बड़ी खबर के साथ जो है इस वक्त हम मौजूद हुए हैं, और जानने का ज़रूर प्रयास करेंगे किस तरीके से जितने भी मंत्री होते हैं वो अपनी पावर्स से और पैसे से जो है जमानत पर बाकी सारी चीज़ों पर निकल जाते हैं। आज आपने सुना होगा आशीष मिश्रा के बारे में, उनको छोड़ दिया गया है, क्या कहें? बहुत शर्मनाक बात है, इस तरह के अपराधी को कानून ने छोड़ दिया, ऐसे को तो बाहर ही नहीं आना चाहिए था। सेम फूल बात है ये क्या लगता है, क्या क्या नीति है? सिर्फ पैसा और पावर ही रहेगी यहाँ? बस हिंदुस्तान के अंदर पावर जिसके पास है। किसानों के द्वारा क्या किया जाएगा? किसान तो विरोध कर रहे हैं जी, किसान तो पहले विरोध कर रहे थे, अभी विरोध कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन रोन दिया था किसानों को, जिसके बाद उनको जेल में डाला गया था। हमारी तो कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी, ना ही तो न्यायपालिका हमारी बात सुनती है और ना ही हमारी सरकार हमारी बात सुनती है। यहाँ पे सुनती है सिर्फ उसकी, जिसके पास पैसा है पावर है, वो दोनों चीज उसके पास है। ऐसे में किसान कहाँ जाएंगे फिर? एक तरफ नारा दिया गया है जय जवान जय किसान, दूसरी तरफ सब झूठी बातें हैं। सिर्फ मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाला भी आदमी चला गया धरती से, उसके बाद वो नारा भी चला गया। अब कोई भी सरकार जय जवान जय किसान नहीं, मर जवान मर किसान। क्योंकि कहीं ना कहीं जो देखा गया था मजदूर और किसान ने ही मिलकर बनाया था, क्या इसी दिन के लिए बनाया था सरकार को? हाँ, ये इसीलिए तो नहीं बनाया था, इनके जो दिखाए हुए सब्ज बाग थे वो कुछ और थे। इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे किसानों को, मजदूरों को, आम आदमी को, लेकिन सब झूठे निकले। कुर्सी प्राप्त करने के बाद में ये जो पहली सरकारें थी ये उनसे भी ज़्यादा खतरनाक साबित हुए। मेरा नाम अजय राणा, मैं जिला प्रधान किसान यूनियन से हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? किसान की आज जिंदगी की ये कीमत रह गई है, कोई भी आएंगे और उसको गाड़ियों के नीचे कुचल के, एक हिसाब से किसान के लिए कितनी दुखद ये खबर है कि एक इतने बड़े आरोपी को, जिसने किसान यूनियन के इतने सदस्यों के सामने बेतहा गाड़ियों से कुचल दिया, आज उसकी जमानत हुई है। इसके ऊपर किसान यूनियन बड़ा फैसला लेगी और अमित शाह की रैली के विरोध में भी इसके बारे में हम विरोध करेंगे इस चीज़ का भी। और अपना गन्ने का समर्थन मूल्य तो हमारा चला ही हुआ, गन्ने का समर्थन। गुरनाम संधू जी, सर क्या कुछ कहेंगे इस बारे में, किस तरीके से? गृह मंत्री का छोड़ेगी। हाँ, ऐसा है, सरकार है नहीं, किसान को और मजदूर को फूटी आंख से भी देखना नहीं चाहते। किसी तरह भी इसका उपकार हो, उधार हो, तरक्की करे, रोटी खावा रू सर अपना आराम था, और इज्जत से रहे। संस्कृति नाम की न बात नहीं छोड़ रखी। सत्ता में जो आवा उसके जो अपना सरकार के अंडर रहती है, ये यूरियो है जो कानून की जज है, कोई भी है तो उसकी सुनती है और किसी के अंदर दूसरे आदमी की नहीं सुनती। किसानों का क्या हो रहा है ये? क्या किसानों के लिए जितनी भी नीतियां बनाई गई हैं वो किसान विरोधी? सारे किसान विरोधी हैं। किसानों के लिए तो सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री आए, चौधरी चरण सिंह और देवीलाल जी आए थे। अब क्या सर छोटराम है किसानों के द्वारा जब ये बात सामने आई है तो? किसानों के द्वारा तो क्या कहेंगे, किसानों के द्वारा तो सामने तो आवा, किसान तो एजिटेशन करें लगातार अपने बचाव के लिए, किसी तरह इनकी इज्जत बच जाए, जिंदे रह जाए, इनके आगे जनरेशन है, आगे आने वाली जनरेशन है, पैदाइश है, वो भी कुछ खुशहाल रह सके, इनकी चलती रहे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन ये नहीं चाहते। इन्होंने तो सिर्फ धन लूटना, पैसा लूटना और इनको मारना, और जो इनके वफादार है गुंडे बदमाश, क्यों गुंडे बदमाशों की तो सरकार है, इसमें तो दो राय नहीं है। ये तो बस अपना धन लूटा और विदेश में अपना जमा करा और उधर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा रहे, तो सिर्फ ये लूटने के लिए है। किसानों की सरकार नहीं आया, या तो लूटे रहे गुंडे गया है। और वो लोग जो जिनकी सजा पूरी हो गई है, 3-4 साल हो गए हैं, उनको निकलवाने के लिए, रिहाई के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं। और एक तरफ जिन्होंने किसानों को कुचला, सरेआम वीडियो चाली, सरेआम सब कुछ हुआ, उसकी आज जमानत हो गई है। क्या लगता, क्या चल रहा है ये? बस ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए तो गांव के बालक सारे विदेशों में भाग रहे हैं। ये काम ये बहुत गलत चल रहा है। अब ये 9 राज्यों में इनका चुनाव है, 9 राज्य में चुनाव होने की वजह से जानबूझ करके जो चमत्कारी बाबा एक और निकाल दिया है, इस तरह से बार बार चमत्कारी बाबाओं को निकालेंगे। और मांग भी सीधा कर रहे हैं
मतलब जो एक शब्द जो हिंदू राष्ट्र का शब्द आ गया है उसको लेकर के 9 राज्यों से इलेक्शन जीतना चाहते हैं, आगे 2024 में सरकार बनाना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है, दुनिया जाए बाढ़ में, आम आदमी जाए बाढ़ में। भारत का भविष्य क्या होगा फिर? एक तरफ भारत तो भारत ही रहेगा, भारत में किसान वर्ग जो है ये भारत की तस्वीर बदलेगा, जो सड़कों पे बैठा हुआ है। इसके सिवा और सब के दिमाग में मतलब अफीम दे दी है, तो भारत का भविष्य किसान जवान बदलेगा, हर हालत में बदलेगा। एक न एक दिन हमारा सपना फिर पूरा होगा, ये सोने की चिड़िया कहने वाला भारत देश भारत ही बनेगा। भारत भारतीय है, हमारा संविधान संविधान ही है जिसमें समानता का अधिकार है, सब कुछ है। और ये ढकोसले जो ये लोग बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र या कुछ भी इस चीज़ों से, ये वोट बैंक है किस्म से, नहीं भारत भारत ही रहेगा। नहीं है सरकार नाम की, जिनके पास चीज़ नहीं, ना इनकी नीति है, ना इनका नियत ठीक है, ना इनके नियम है, कुछ भी नहीं, सबको दरकिनार कर दिया। फेसबुक पे पोस्ट चल रही है कि गृह मंत्री अजय टैनी का लड़का और जो पीछे भी मतलब जो जिसने पिछले आंदोलन के तहत हमारे किसान जो आराम से जा रहे थे अपनी जीप से कुचला था, उसकी जमानत हो गई है। बड़ी शर्मनाक बात है जी सर, क्या कुछ कहेंगे इस घटना? ये चीज तानाशाही चली हुई है बिल्कुल भी, और इस तानाशाही को हम चलने नहीं देंगे। अगले साल इलेक्शन है और सभी स्टेटों में आपका सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा, चाहे सेंटर के इलेक्शन हो या स्टेट के इलेक्शन हो। कितनी महंगाई हो रही है और कितने भर्तियाँ भी पेंडिंग पड़ी है, तो इसलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि इन भर्तियों को पूरा किया जाए और मेरिट बेस पर ही बच्चों को नौकरी लगाया जाए, ना कि उनमें भी अपनी तनाशाही करके अपने SDM लगाना, अपने अफसर लगाना, उन चीज़ों को बंद करके और किसानों को उसकी फसलों का प्राइस मिलना चाहिए। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जो है किसानों के लिए हमेशा से ये सरकार सिर्फ किसान विरोधी रही है, ऐसे यहाँ पर मौजूद जो है किसानों के द्वारा जो है बयान दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि किस तरीके से किसानों को कुचलने वाली गाड़ी जिसमें कि एक मंत्री का बेटा सवार था और उसको जो है जमानत दे दी गई है, उसके विरोध में भी किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप लोगों से अपील रहेगी किसानों के सहयोग के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वॉट्स न्यूज़ पर। मेरे अनुसरण के साथ कैमरामैन प्रवीण के साथ धन्यवाद।